मूवी की शुरुआत में हम कुछ दोस्तों को देखते हैं जो कि किसी जगह पर अपनी वैकेशन एंजॉय कर रहे हैं। ये सभी जिस घर में रुके हुए होते हैं उस घर में उन्हें एक गेम बोर्ड मिलता है जिसका नाम होता है गेम ऑफ डेथ। वो सभी उस गेम को खेलने के बारे में सोचते हैं, तब उन्हें वहाँ पर एक कार्ड मिलता है जिस पर गेम को खेलने के इंस्ट्रक्शन लिखे हुए थे। मैथ्यू उन रूल्स को पढ़ने लगता है जिसमें लिखा होता है कि इस गेम को स्टार्ट करने के लिए सभी को अपनी एक एक उंगली उस बोर्ड पर रखनी होगी और सबके रेडी होने के बाद स्टार्ट वाले बटन को दबाने से गेम शुरू हो जाएगा। अब वो सभी अपनी एक एक उंगली उस पर रख देते हैं। इसके बाद आगे का रूल होता है कि गेम के स्टार्ट होने पर बोर्ड की स्क्रीन में जितने नंबर होंगे सभी को मिलकर उतने ही किल करने होंगे। यानी कि अगर स्क्रीन पर 5 लिखा हुआ आए तो उन सभी को 5 लोगों को मारना होगा। इसके बाद एसले स्टार्ट वाले बटन को दबा देती है जिससे गेम शुरू हो जाता है और उसके शुरू होते ही वो गेम सभी के खून की एक एक बूंद ले लेता है और उसकी स्क्रीन पर नंबर 24 लिखा आता है। उसी वक्त बैथ गेम के आगे के रूल पढ़ने लगती है जिसमें लिखा होता है कि अगर दिए गए टाइम में कोई किसी को नहीं मारेगा तो गेम खुद एक प्लेयर को चूज करके उसे मार डालेगा और ये गेम तभी बंद होगा यदि उसकी स्क्रीन पर 0 नंबर आ जाए या फिर इस गेम के सभी प्लेयर मारे जाए। इस गेम के स्टार्ट होने के बाद लोगों को मारने के बिना इसे खत्म नहीं किया जा सकता, यानी कि इसका एक ही मेन रूल है मारो या मरो। गेम के इन रूल्स पे उनमें से कोई यकीन नहीं करता है इसलिए कोई भी इसे सीरियस नहीं लेता है और टाइलर वहां से खड़ा होकर बाहर चला जाता है जिसके पीछे कुछ फ्रेंड्स भी बाहर आ जाते हैं और बाहर आकर ड्रिंक करने लगते हैं। कुछ देर तक तो सब कुछ नॉर्मल होता है लेकिन अचानक से मैथ्यू के सर में बहुत ज्यादा दर्द होने लगता है। उनमें से किसी को भी समझ नहीं आता कि उसे हुआ क्या है। तभी अचानक से मैथ्यू का सर फट जाता है जिसे देखकर सभी लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं और चिल्लाने लगते हैं। वहीं दूसरी ओर टॉम और उसकी सिस्टर बेथ अभी भी बोर्ड के पास होते हैं, तब वो देखते हैं कि उस स्क्रीन में एक नंबर कम हो चुका है यानी कि अब 24 की जगह 23 लिखा हुआ होता है। टाइलर को लगता है कि उन्हें कोई सूट कर रहा है इसलिए वो सभी को अंदर चलने के लिए कहता है। बेथ और टॉम उनको खून से भरा देखकर घबरा जाते हैं, तब टाइलर उनसे कहता है कि कोई हमें सूट करके मारने की कोशिश कर रहा है। ये सुनकर टॉम विंडो से बाहर देखने लगता है मगर उसे वहां पर कोई नहीं दिखता है। उनमें से कोई भी ये समझ नहीं पा रहा था कि आखिर यहां पर हो क्या रहा है, इसलिए मैरी हेल्प के लिए पुलिस को कॉल करती है। तभी उन्हें दरवाजे पर किसी के आने की आहट होती है इसलिए टॉम अपनी गन लेकर वहां पर जाता है। तब उसे एक बुढ़ा आदमी मिलता है जिसे टॉम गन पॉइंट करके अंदर ले आता है क्योंकि टॉम को उस पर शक होता है कि इसी ने कुछ गड़बड़ किया है। वो आदमी बताता है कि मैं तो तुम लोगों के चिल्लाने की आवाज सुनकर यहां पर आया हूं, लेकिन कोई भी उस पर यकीन नहीं करता है और सभी को ऐसा ही लगता है कि गड़बड़ इसी ने की है। तभी अचानक से कैनी का सर भी दर्द करने लगता है। टाइलर धीरे से उसके पास जाता है तभी एकदम से उसका भी सर फट जाता है। वो सभी बहुत ज्यादा डर जाते हैं। तभी टॉम को गेम बोर्ड से कुछ आवाज सुनाई देती है और वो वहां पर जाकर देखता है तो उसकी स्क्रीन में 23 की जगह अब 22 हो चुके थे। अब टॉम समझ जाता है कि ये गेम रियल है क्योंकि उनके दो दोस्त सेम तरीके से मारे जा चुके हैं और उनके मरने के बाद स्क्रीन में भी 2 नंबर कम हो जाते हैं। इसलिए टाइलर सोचता है कि अगर हम इस बोर्ड को तोड़ दे तो शायद ये बंद हो सकता है। वो उसे तोड़ने की काफी कोशिश करता है मगर गेम में कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब टॉम उस बुढ़े आदमी को मारने लगता है क्योंकि अगर गेम के टाइम पीरियड में किसी को नहीं मारा गया तो वो गेम उनमें से ही किसी की जान ले लेगा। बाकी फ्रेंड्स उसे ऐसा करने से मना करते हैं क्योंकि वो किसी बेगुनाह को नहीं मारना चाहते हैं, लेकिन टॉम किसी की नहीं सुनता है और वो उसे मार देता है जिसके मरने के बाद बोर्ड की स्क्रीन में 22 की जगह अब 21 हो जाता है। ये देखकर वो सभी हैरान हो जाते हैं क्योंकि अब वो पूरी तरह से श्योर हो चुके हैं कि ये गेम असली है। इसके बाद वो यहां से भागने लगते हैं। उसी वक्त बेथ उस बोर्ड को भी अपने साथ ले लेती है। वो सभी कार में बैठकर वहां से जाने लगते हैं जहां पर रास्ते में उन्हें पुलिस की गाड़ी मिलती है। मैरी उन्हें पुलिस की हेल्प लेने के लिए कहती है मगर टॉम गाड़ी नहीं रोकता है क्योंकि उन्हें पता चल चुका है कि इस गेम को पुलिस भी नहीं रोक सकती है और हमें खुद ही इसे रोकने के लिए और 21 लोगों को मारना होगा। लेकिन मैरी और एसले उसकी बात से एग्री नहीं करते हैं मगर टॉम और उसकी बहन बेथ दोनों ही अपने बारे में सोचते हैं और लोगों को मारना बेहतर समझते हैं। तभी अचानक से एक लड़का उनकी गाड़ी के सामने आ जाता है और टाइलर सही वक्त पे गाड़ी रोक देता है। लेकिन अब टॉम टाइलर से उस लड़के को हिट करने के लिए कहता है। टाइलर ऐसा करने से मना कर देता है, तब वो उसे गन पॉइंट करके उस लड़के को मारने के लिए फोर्स करता है। इसलिए टाइलर उस लड़के को हिट कर देता है लेकिन गेम बोर्ड से अभी तक कोई आवाज नहीं आई थी, इसलिए टॉम टाइलर को गाड़ी बैक लेने के लिए कहता है क्योंकि वो लड़का अभी तक जिंदा था। मजबूरन उसे गाड़ी बैक लेनी पड़ती है जिससे उस लड़के की बॉडी कट जाती है, लेकिन अभी तक वो नहीं मरता है इसलिए टॉम उस लड़के को मार देता है और उसी वक्त उस गेम बोर्ड में 20 नंबर हो जाते हैं यानी कि उन लोगों को जिंदा रहने के लिए 20 और लोगों को मारना होगा। तभी वहां पर एक लेडी आ जाती है जो डेड बॉडी को देखकर वहां से भागने लगती है। टॉम और बेथ उसका पीछा करते हैं जिससे कुछ ही दूरी पर आगे जाकर वो औरत नीचे गिर जाती है। तब टॉम बेथ को अपनी गन देकर उसे मारने के लिए कहता है लेकिन बेथ ऐसा नहीं कर पाती है, तब वो खुद ही उसे मार देता है जिससे एक और किल ऐड हो जाता है। अब टॉम और बेथ उस मरे हुए लड़के की बॉडी को साइड लगाते हैं लेकिन अभी तक एसले और टाइलर लोगों की जान लेने के लिए मना करते हैं, इसलिए टॉम और टाइलर में बहस होने लगती है। उसी वक्त वहां पर एक लेडी पुलिस ऑफिसर आ जाती है जो उन सबको खून से भरा देखकर अलर्ट हो जाती है और पूछती है कि यहां पर क्या हो रहा है। तब एसले बहाना बनाते हैं कि हमने गलती से एक हिरण को हिट कर दिया है, लेकिन ऑफिसर पूछती है कि हिरण की डेड बॉडी कहां पर है। तब
टायलर भी झूठ बोलता है और कहता है कि हमने उसे जंगल में फेंक दिया है, लेकिन अभी भी उस ऑफिसर को उन पर शक हो रहा था, इसलिए वो बैकअप पाने के लिए उनका टाइम वेस्ट करने लगती है। तब तक उनके नेक्स्ट किल का टाइम एंड हो जाता है, जिसकी वजह से कार में बैठी मैरी मर जाती है। ये देखकर वो ऑफिसर डर जाती है, तभी टॉम अपनी गन से उसे ही शूट करने लगता है, लेकिन एसले उसे रोक लेती है और टॉम उसे ही गन पॉइंट करके टायलर की गाड़ी लेकर वहां से निकल जाता है। अब पुलिस ऑफिसर टायलर और एसले को अपने गन पॉइंट पर ले लेती है और उन्हें सब कुछ सच सच बताने के लिए कहती है। तभी गेम के नेक्स्ट किल का टाइम एंड होने लगता है, जिससे टायलर की तबीयत खराब होने लगती है, इसलिए एसले उसे बचाने के लिए उस पुलिस ऑफिसर को मार देती है। और अब वो दोनों सोचते हैं कि अगर हमें जिंदा रहना है तो हमें भी लोगों को मारना होगा। इसके बाद वो पुलिस की गाड़ी लेकर वहां से निकल जाते हैं। अब टायलर अपने एक फ्रेंड को कॉल कर अपनी गाड़ी को ट्रैक करने के लिए कहता है, जिसे टॉम लेकर गया था। दूसरी ओर टॉम और बेथ बाकी बचे केस को पूरा करने के लिए हॉस्पिटल जा रहे थे, ताकि वो बीमार मरीजों को मारकर उन पर एहसान कर सके। इसलिए वो दोनों एक हॉस्पिटल में जाते हैं, जहां पर टॉम बेथ को अपनी गन देकर कहता है कि हमें इस गेम को किसी भी हालत में खत्म करना होगा। अब वो दोनों हॉस्पिटल में जाते हैं और वहां पर कई मरीजों को मार देते हैं। उन्हें रोकने के लिए टायलर और एसले भी वहां पर आ जाते हैं, लेकिन वो हॉस्पिटल की हालत देखकर काफी हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उन दोनों ने वहां पर काफी सारे मरीजों को मार दिया था। अब टायलर और एसले हॉस्पिटल के कंट्रोल रूम में जाते हैं, जहां पर एक लेडी कैमरा पर नजर रखने के बजाय सो रही थी, इसलिए एसले उसे गन पॉइंट करती है और पुलिस बुलाने के लिए कहती है। दूसरी ओर हम एक सैम नाम की पेशेंट को देखते हैं, जो कि एक छोटी लड़की होती है और वो हॉस्पिटल में घूम रही है। तभी बेथ वहां पर गन लिए हुए आ जाती है, जिसे देखकर सैम समझती है कि वो यहां पर किसी से मिलने के लिए आई है। बेथ उसे देखकर इमोशनल हो जाती है, इसलिए उसे मारने से पहले अपनी आंखें बंद करने के लिए कहती है। तभी वहां पर एसले और टायलर आ जाते हैं और एसले बेथ को गन पॉइंट करके उसे कहती है कि इस लड़की को यहां से जाने दो और इसके बदले में मुझे मार दो। अब बेथ जैसे ही उस लड़की से गन हटाकर पीछे घूमती है, तब एसले उसे शूट कर देती है। दूसरी ओर पुलिस टीम भी हॉस्पिटल में आ जाती है और पेशेंट किलर को ढूंढने लगती है। वही टॉम बेथ को मरा हुआ देखकर रोने लगता है, क्योंकि वो उसे बहुत ज्यादा प्यार करता था। तभी टायलर और एसले वहां पर आ जाते हैं, जिन्हें देखकर टॉम समझ जाता है कि बेथ को उन दोनों ने ही मारा है, इसलिए वो उन्हें मारने के लिए गन उठाने लगता है, लेकिन टायलर उसे पकड़ लेता है और अब उन दोनों के बीच में फाइट होने लगती है, जिसमें टायलर टॉम को मार देता है। अब उस गेम बोर्ड में सिर्फ एक ही किल बचा हुआ था और यहाँ पर सिर्फ टायलर और एसले ही होते हैं, इसलिए टायलर का माइंड चेंज हो जाता है, क्योंकि नेक्स्ट किल का टाइम बहुत जल्द एंड होने वाला था, इसलिए वो सिर्फ अपने बारे में ही सोचने लगती है और वो टायलर को शूट कर देती है, जिससे वो भी मर जाता है और अब उस गेम बोर्ड में गेम ओवर हो जाता है। एसले इस डेथ गेम की विनर होती है। तभी वहां पर पुलिस आ जाती है और एसले को मर्डर के जुर्म में अरेस्ट कर लेती है। अब हम कुछ टाइम बाद का सीन देखते हैं, जहां पर एक आदमी पुलिस ऑफिसर को डेथ गेम गिफ्ट करता है और वो ऑफिसर अपने साथियों को इस गेम के खेलने के बारे में पूछता है। इसी के साथ ही मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा एक्सप्लेनेशन वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। बाकी मैं मिलूंगा आपसे किसी नए दिन नई कहानी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।